नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम कार ट्रेड टेक्सर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इस स्टॉक का प्राइस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बन रहा है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि इसमें कुछ टर्न अराउंड अभी के लिए इनिशियल साइन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चार्ट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। देखिए, स्टॉक का मार्केट कैप जो है अराउंड 2500 करोड़ के आसपास है एंड रिजर्व कैश कितना है 1952 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 536 का एंड इसका बुक वैल्यू है 427 एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.26। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे, जीरो, क्योंकि प्रीवियसली कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रहा था। अभी इनिशियली कुछ क्वार्टर में 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन अभी तक डिविडेंड शेयर नहीं किया है। अगर आप इसका पी देखेंगे 58 का, इंडस्ट्री पी है 37 का, इंडस्ट्री पी से ऊपर स्टॉक का पी चल रहा है। डेप टू इक्विटी देखेंगे जीरो, एक जीरो डेप कंपनी है। अगर आप इसका लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखेंगे -14%, क्योंकि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड अभी एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है, जिसका ट्रिगर बन जाएगा तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि आगे अभी हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अभी हम चले जाते हैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, सेल्स था मार्च 2021 में कितना, 31 करोड़ का, ओके, एंड अभी सेल्स कितना है 43 करोड़ का। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए मार्च 2021 में था 10, लेकिन अगर प्रीवियसली मार्क करेंगे, यहाँ पे लगातार 4 क्वार्टर देखिए कंपनी यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, -44, -41 करोड़ का, -29, -32 करोड़ का नेट। मतलब यहाँ पे लगातार 4 क्वार्टर जून 2021 से मार्च 2022, 4 क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रहा था। लेकिन देखिए, जून 2022 से एक कंपनी अभी लास्ट 5 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा है एंड प्रॉफिट ग्रो भी कर रहा है 27 एंड लास्ट 3 क्वार्टर में लगातार 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो अभी के लिए लास्ट 5 क्वार्टर से कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हो गया है एंड प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अभी हम चले जाते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, यहाँ पे FII होल्ड कर रहे हैं 69.69%। अब मान सकते हैं 70% यहाँ पे FII के पास शेयर होल्डिंग है एंड DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 4.61 एंड पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग है 25.69%। अगर पब्लिक के बीच में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो विजय विनोद सांघी जी के पास है 2% एंड यहाँ पे जीरोधा ब्रोकिंग यहाँ पे होल्ड कर रहा है 1.18%। अगर आप सम कर लेंगे अराउंड 3% के आसपास यहाँ पे बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं। अगर आप टोटल माइनस कर देंगे 25.5 से 2% माइनस कर लेंगे तो 23.5% यहाँ पे ऐसा शेयर होल्डर है जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, जो कि रिटेल पार्टिसिपेशन है हमारी तरह, क्योंकि हम कभी भी एक स्टॉक में 1% से ऊपर होल्डिंग नहीं कर सकते ड्यू टू ऑफ लो कैपिटल। इसलिए देखिए, अबव 20% रिटेल पार्टिसिपेशन किसी भी स्टॉक में नेगेटिव साइन है। तो अभी के लिए आप मान सकते हैं, जिस टाइप का अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैनेजेबल बोल सकते हैं अगर टेक्निकल में कुछ ट्रिगर बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। पहला हो गया टेक्निकल, जहाँ पे हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, कचरा, अच्छा, कुछ भी स्टॉक को। सेकंड हो गया फंडामेंटल, जहाँ पे हम स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक को बाय एंड डिप करते हैं। थर्ड हो गया टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, जहाँ पे फंडामेंटल में थोड़ा वीकनेस हो सकता है, लेकिन कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, जो कि कार ट्रेड यहाँ पे नेट लास्ट 5 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इसलिए कार ट्रेड को अभी हम सिलेक्ट करेंगे टेक्निकल प्लस फंडामेंटल का कैटेगरी में, जो कि इंटरेस्टिंग सेटअप दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट अभी ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है कार ट्रेड का। टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट किया हूँ डेली का, क्योंकि अभी लेटेस्ट लिस्टिंग है, जो कि लिस्ट हुआ था 13 दिसंबर 2021 को। देखिए, 20 अगस्त 2021 में लिस्ट होने के बाद प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड जो लिस्ट हुआ था अराउंड लेबुल यहाँ पे था नियरली 1590 के आसपास एंड देखिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पे बॉटम बनाया था नियरली 340 के आसपास। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ए हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका हेड एंड ए हो गया उसका राइट शोल्डर।
एंड इस प्राइस के लिए जो नेकलाइन यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 570 के आसपास। देखिए जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो एक बुलिश पैटर्न है, एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बॉटम में बनता है। जब भी इस पैटर्न बनता है एंड उसका नेकलाइन को प्राइस ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, उसके बाद माना जाता है कि प्राइस में रिवर्सल आ गया है एंड जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का प्राइस में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि बुलिश पैटर्न है एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक करेगा जो लेवल बन रहा है 575 का, उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। देखिए अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है, जैसे ही प्राइस यहाँ पर जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बन रहा है उसका नेकलाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग आएगा उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। देखिए डेली क्लोजिंग में 50% कन्फर्मेशन आ जाएगा, वीकली क्लोजिंग आ जाएगा तो 100% कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस अपमूव कर सकता है। अगर एक बार यहाँ से ट्रिगर हो जाता है ना पैटर्न जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो जा सकता है उसका लाइफ हाई को भी टेस्ट कर सकता है। जब भी यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए अभी पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये पैटर्न तभी एक्टिवेट होगा, ट्रिगर बनेगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 575 के ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी एक्सटेंड मूव दे चुका है एंड कभी भी रिवर्सल हो सकता है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव रखना है एंड क्वांटिटी को मैनेज करना है एंड जहां पे भी सेटअप बन रहा है वहां पे रिस्क डिफाइन करके आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके खुद का डिसीजन लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका बिलीव नहीं आएगा सेटअप के ऊपर, इसीलिए अगर जब प्रैक्टिस करें तो लो क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा किसी भी पैटर्न के ऊपर उसके बाद आप बिग क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी पैटर्न के ऊपर आपको फेथ लाने के लिए आपको रिपीटेडली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप नया है तो लो क्वांटिटी को प्रीफर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिवर्सल सेटअप बन रहा है, ट्रिगर अबव 575 डेली या वीकली क्लोजिंग। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।